भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के लिए नए अध्यक्ष की तलाश शुरू हो गई है। क्या इस बार भी हो सकता है चौंकाने वाला नाम जिस प्रकार से पिछली बार हुआ, क्या इस बार भी हो सकता है चौंकाने वाला नाम? लेकिन इस बार भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने भी ये संकेत दे दिए हैं कि कार्यकर्ताओं को ही दिया जाएगा इसमें मौका, और साथ ही उन्होंने ये भी संकेत दिए हैं कि उम्र को तवज्जो जरूर दी जाएगी, क्योंकि युवा मोर्चा में युवा को ही हम लोग तवज्जो देंगे। केंद्र के हमें एक उन्होंने एक लाइन दी है, निर्देश है उनके कि अपेक्षाकृत और नई लीडरशिप आए, सामाजिक सोशल इंजीनियरिंग का उसमें अनुपालना हो, और इसलिए सामान्य तौर पर हमारे यहाँ बहुत बड़ी उम्र के भी मंडल अध्यक्ष बनते थे, जिला अध्यक्ष बनते थे। आज 39 साल का जिला अध्यक्ष पार्टी का है, इसी तरीके से 30 से 35 और 40 वर्ष के मंडल के अध्यक्ष। साथ ही सतीश पूनिया कैंप के कार्यकर्ताओं को जरूर मिल सकता है मौका इसमें। जैसा कि हम आपको बताते हैं किन किन के नाम चर्चाओं में हैं भाजपा प्रदेश अध्यक्ष की रेस में। सर्वप्रथम नरपत सिंह राजवी के पुत्र अभिमन्यु सिंह राजवी का नाम भी काफ़ी चर्चाओं में है। इसके अलावा राजपूत रक्षी महेंद्र सिंह शेखावत का नाम भी काफ़ी चर्चाओं में है, क्योंकि ये केंद्र में भी सक्रिय हैं। इनके अलावा लक्ष्मीकांत भारद्वाज, मिथिलेश गौतम, श्रवण सिंह बगड़ी, जोगेंद्र सिंह राजपुरोहित, इनके अलावा युवा चेहरों में पूर्व विधायक कैलाश वर्मा, चंद्रभान सिंह एवं संदीप दायमा, इनके नाम भी काफ़ी चर्चाओं में। अब देखते हैं किसके सर यह सेहरा बनता है।